हेलो 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 जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। फाइनली 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 गाइस, हियर इट इज द सफारी डार्क एडिशन। दिस इज नॉट ओनली द डार्क एडिशन, इट इज रेड एंड डार्क एडिशन। दोस्तों, सिर्फ सफारी नहीं बल्कि हेरियर को भी रेड डार्क एडिशन के साथ ऑटोस्पोर्ट 2022 में शोकेस किया गया है सुधा टाटा मोटर्स। हो सकता है आपको लुक्स वाइज चेंजेस ना देखने को मिले, बट जो फीचर्स का अपग्रेडेशन ब्रांड ने करी हुई है वो तो नेक्स्ट लेवल है। सो बिफोर स्टार्ट, इफ यू वांट वॉचिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं सफारी का फ्रंट प्रोफाइल। सो क्या कुछ नोटिस किया? नहीं जी। अरे यार, फ्रंट लोअर ग्रिल पे एक बार आप ध्यान से नोटिस कीजिए, जो इस बार आपको रेडार का सेंसर मिल जाता है फॉर एडवांस सेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए तो हम सब ने मिलकर बेस सर्विसिंग इंतजार कर रहे थे। सो सफारी एंड हेरियर दोनों में इस बार एडवांस आ चुकी है। सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करी गई है वो है इसका फ्रंट ग्रिल पे। हालांकि सेम ही डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, बारीकी से आप ध्यान दोगे, तो जो चेंजेस यहाँ पर करी गई है, बेसिकली रेड कलर का जो एलिमेंट है उसका उपयोग इस बार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अलग अपीयरेंस को एनहांस करने वाले हेडलैम्प्स। इससे हमें ऊपर में डे टाइम रनिंग DRL देखने को मिल जाते हैं एज इट इज। सेम नीचे वही आपका जो बिग हेडलैम्प्स पहले जैसे मिलता था वही है, विद प्रोजेक्टर LED हाई बीम एंड लो बीम। ठीक उसके नीचे फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बात की जाए चेंजेस के तौर पर, तो एज इट इज सेम है। ठीक है, जो रेड कलर का एलिमेंट है सिर्फ उसको एड करी गई है। एंड इसके अलावा जो खास चेंजिंग है वो है, एक आपको एडस का सेंसर मिल जाते हैं जो है बेसिकली रेडार। इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द साइड प्रोफाइल। तो बिफोर स्टार्ट, एक चीज आपको यहाँ पर भी बताना चाहूंगा, जो कैमरा का सेंसर है, अगर आप ऊपर में ध्यान देते हो, ठीक जो रूफ का है, रूफ का जो स्लोपिंग एरिया वहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट में भी 360 कैमरा है विद पार्किंग सेंसर, बेसिकली जो ट्रैफिक अलर्ट है उसके लिए है। एंड जो 360 रियर व्यू मॉनिटरिंग है उसके लिए भी यहाँ पर कैमरा विद पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल में डिजाइन वाइज एज इट इज सेम ही है। एंड हेरियर है सफारी में सेम, जैसे नो डिफरेंस बिटवीन बोथ कार्स। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बातें हुआ था, रेड कलर की काफी ज्यादा ध्यान हर जगह ब्रांड ने रखी है। तो यहाँ पर जो फ्रंट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स के पीछे जो डिस्क ब्रेक का कैलिपर है वहाँ पे रेड सिग्नेचर इस बार आपको दिखाई देने वाला है। तो बिल्कुल ही अलग हो चुका है पहले से ज्यादा। एंड देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड जो टायर साइज है वो एज इट इज सेम ही है, जैसे प्रीवियस आपको मिलता था। एंड साइड में और कुछ चेंजेस नहीं करे गए। एंड चले दोस्तों पीछे छुप जाते हैं। नहीं, पीछे एक्चुअली आपको रियर का भी दिखाने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम लेआउट के साथ एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो लुक वाइज कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप रियर में बूट डोर ओपन ना करो। तो जो इंटीरियर का कलर है पूरा ही रेड हो चुका है, बूट स्पेस वही सेम आपको देखने को मिलता है। सो नाउ इट्स टाइम टू शो यू इंटीरियर ऑफ दिस न्यू सफारी। देखा दोस्तों, सेकंड होगा जो कलर कॉम्बिनेशन है पूरा ही अलग देखने में लग रहा है, एक अलग ही फील यहाँ पर दे रही है। और एक अच्छी बात है, जो हेड रेस्टर है जो कि पहले सफारी का जो जेड एडिशन थे या फिर एसेड एडिशन थे वहाँ पर देखने को मिलता था, तो यहाँ पर उसको भी ऑफर किया गया है, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड रेगुलर आर्म रेस्टर भी मिल जाते हैं। और एक शानदार चीज यहाँ पर करी है, हो सकता है आपको मैं यहाँ पर वीडियो पे दिखाना पाऊँ, बट जो पैरानोमिक सन हो गया उसको जब आप बंद करोगे ना, तो रेड कलर का ग्लो एनिमेशन होता है एम्बियंट लाइट की तरह, तो आपको यहाँ पर महसूस होने वाला है, दिखाई देने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। नाउ आपको डैशबोर्ड का सेक्शन एक बार दिखा देता हूँ। तो डैशबोर्ड में हमें इस बार क्या कुछ चेंजेस के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का जो डिजाइन है पूरे ही डैशबोर्ड का डिजाइन को चेंज करा गया है, साथ ही साथ जो हमारे न्यू यादें है वो जुड़ना शुरू हो गई है काफी हद तक, यानी कि हद से ज्यादा यहाँ पर चेंजेस किए गए है। जो बी इंफोटेनमेंट स्क्रीन इस बार आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले से ज्यादा यहाँ पर थोड़े बहुत साइज में भी बड़ा है। एंड जो डैशबोर्ड का टेक्सचर है एक अलग है, फेब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करी गई है, जो केबिन का फील है नो डाउट इसमें प्रीमियम फील आपको महसूस होने वाला है, दिखने में भी प्रीमियम लग रहा है। इस बार जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिस्प्ले दे रखे है विच इज 10 इंच, सो थोड़ा बड़ा तो ऑब्वियसली है। एंड फीचर्स में भी काफी ज्यादा बदलाव किए गए, काफी सारी चीज को ऐड करी गई है। इस बार जो टच स्क्रीन का सेंसिटिवनेस है, या फिर आप इसको समझ सकते हो जो रेस्पॉन्सनेस है, वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है पहले से ज्यादा। वन सेकेंड थैंक्स टाटा, क्योंकि डिस्प्ले को लेकर जो टच स्क्रीन का प्रॉब्लम तो टाटा के साथ हमेशा से ही जुड़ा हुआ था, तो टाटा ने यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। एंड नेक्स्ट और भी अपग्रेडेशन यहाँ पर होंगे, एयर प्योरीफायर भी यहाँ पर दिए गए हैं। सो अगर आप बादू फैला दो
तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस बार जो कॉम्प्लीट 360 डिग्री कैमरा वार्निंग मॉनिटरिंग मिल जाते ओहो, और क्या चाहिए दोस्तों, कैमरा का क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। एंड जो एडवांस फीचर्स इस बार बैन ने प्रोवाइड किया है, एडवांस सेंसिंग में 10 ऑल न्यू फीचर्स इस बार मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, इसके अलावा फॉरवर्ड एंड रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन एंड लेन डिपार्चर वार्निंग, डोर ओपन अलर्ट, लेन चेंज अलर्ट एंड ऑल्सो हाई बीम असिस्ट। तो ये सारा कुछ एडवांस का जो न्यू फीचर्स है यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ फ्रंट सीट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, जो मिलर फंक्शन भी इस बार देखने को मिल जाते हैं। तो वेंटिलेटेड सीट पहले भी आता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इलेक्ट्रिक रिक्लाइन फंक्शन है वो भी सारे कुछ मिल जाते हैं। तो इस बार बूस्ट मोड को भी प्रोवाइड किया गया है, जो आपको अगर पीछे कोई बंदा बैठता है उसको थोड़ा बहुत जगह कम मिल रहा है तो वो फ्रंट सीट को एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट। तो न्यू जो एडवांस फीचर है इस बार टाटा ने प्रोवाइड किया है वो तो काफी बढ़िया है। एंड मेरे ख्याल से जो शिकायतें हुआ करते थे अब ऑलमोस्ट खत्म जैसे हो चुका है। हालांकि प्राइस यहाँ पर अनवील नहीं करी गई है एंड इंजन स्पेक सेम ही आपको मिलने वाला है। जो हेरियर का रेड डेक एडिशन है उसमें भी आपको सेम जैसे चीजें मिलेंगे, बट जो चेंजेस है एंड आपको जो चीज कॉम्प्रोमाइज करनी होगी वो है फोन में जो एडजस्टेबल सीट है वहाँ पर एक सीट मिलने वाला है, यानी कि सिर्फ ड्राइवर सीट। एंड दूसरा जो चीज आपको मिसिंग लगने वाला है पैनोरामिक सनरूफ में जो लाइट ग्लो इफेक्ट है तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये दो चीजों का आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करनी होगी, अदरवाइज एज इट इज सेम है दोनों कार में, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें चाहे फीचर्स की बात है वो सेम ही है। एंड सफारी में जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस पर आपको देखने को मिल जाता है, ओहो फैंटास्टिक, लाजवाब। आई थिंक ये अपडेट होना भी बेहद जरूरी था। एंड दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसी न्यू रेड डार्क सफारी एडिशन के बारे में? एंड दोस्तों इस बार 14 ने 17 मोड्स को टाटा यहाँ पर एड किए है, विच इज वेरी अप्रिसिएटिव एंड गुड थिंग्स। काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस टाटा ने किए है, ये तो काफी अच्छी बात ऑब्वियसली है। एंड जितने भी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते सारे कुछ यहाँ पर यूजफुल फीचर्स है, कुछ भी फालतू चीजें नहीं है। सो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है वो बिल्कुल भी बताने ना भूले। एंड दोस्तों आप टाइम हो गया है, मेरे को जाना पड़ेगा, मिलते हैं कल शाम में। सो गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।